आज की वीडियो वही यहाँ से शुरू करते हैं। वाइट पैरट देख लो, इंडिया में मैंने नहीं देखा भाई, यहाँ देख लो वाइट पैरट है। और अभी हम बात करने वाले हैं अपनी वीडियो के अंदर कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर आने के लिए। मतलब एजेंट कहते हैं 30 लाख, 40 लाख, एक्चुअल में क्या कुछ रिक्वायरमेंट है और क्या क्या पॉसिबल वे हैं आने के। यदि आपके पास फंड्स हैं, यदि फंड्स नहीं है तो उसका क्या ऑप्शन है। कुछ कहेंगे कि वो दूसरा ऑप्शन तो चल ही नहीं सकता जी, ऐसे तो हमने कभी देखा ही नहीं। तो अलग अलग बात करेंगे, अब वीडियो शुरू करते हैं। पैरेट देख लिया, एक वो उड़ के जा रहा था, कई है यहाँ तो। एक उधर पेड़ पे बैठा, वो हिलता हुआ नजर आ रहा, वाइट वाइट है। ठीक है, हम करेंगे फंड्स रिलेटेड बात है। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ये कोई भी बच्चा हो अच्छा, जिसने आयल्स दिया है या पीटी दिया है, और उसका अगला स्टेप होता है वीज़ा फाइलिंग। पहले एडमिशन लेना, एडमिशन आपके पास फंड होने चाहिए, वहीं से आपका फंड का प्रोसेस शुरू हो जाता है। एजेंट कहता है कि जी 3 महीने पुराने फंड चाहिए या 6 महीने पुराने फंड चाहिए, तो सारी की सारी बातें हम यहाँ कवर करेंगे। कि ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि कहीं मेंशन हो कि हमें 3 मंथ चाहिए या फिर 6 मंथ चाहिए। बस हम ना एक श्योरिटी के लिए कि हाँ भाई, जब हम वैसी को लगे कि हाँ इनके पास पैसा है, जब ये 3 महीने से होल्डिंग पे है तो आगे भी रहेगा, इस उम्मीद के साथ गाड़ी चल रही होती है आपकी फाइलिंग की। सबसे पहला स्टेप आता है, आप एजेंट के पास जाते हो डिस्कशन करने के लिए, कंसल्टेंट के पास, और जो एजुकेशन कंसल्टेंट है इंडिया के अंदर, और आप उनसे बात करते हो कि क्या रिक्वायरमेंट्स है। मेरे पीटी में 68 मार्क्स हैं, 70 मार्क्स हैं, 62 मार्क्स हैं, 58 मार्क्स हैं, तो क्या कुछ रिक्वायरमेंट अब मुझे फुलफिल करनी पड़ेगी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, एक ऑस्ट्रेलिया कंट्री में घुसने के लिए, जाने के लिए। तो वो वहाँ पे बताते हैं कि आपको 3 महीने 6 महीने पुराने 32 लाख 30 लाख के फंड होने चाहिए, और यदि कोई ITR भर रखी है तो वो भी दे दो। मतलब हर तरीके का एसेट मांग लेते हैं, आपकी प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी वैल्यूएशन मांगते हैं। जब एम्बेसी में फाइल जाती है, वो आपसे आपके सभी डॉक्यूमेंट स्कैन कर लेते हैं। एक बात ध्यान रखना, आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएं तो आप कभी भी उनके पास अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना छोड़ें, चाहे फिर आपका कितना ही भरोसेमंद व्यक्ति हो। हो सकता है कल आपको कोई दूसरा ऑफर अच्छा मिल जाए, आप वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, लेकिन आपको एक के साथ तो लगना पड़ेगा। अब आप एक जगह जाते हो, वहाँ पे आप सारे डिस्कशन करते हो, आपको 3-4 यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताते हैं इंडिया के अंदर, जैसे लाट्रोप बताएंगे, डेक्कन बताएंगे, और 2-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं आप जिसके पास जाओगे, सभी यही यूनिवर्सिटी बताएंगे और लगभग सिमिलर से कोर्स बताएंगे सब। तो मैं कहूँगा कि थोड़ी अपनी रिसर्च खुद करें, कौन सी यूनिवर्सिटी में यदि आपको पढ़ना है। देखो PR नहीं है, या यदि आप ये सोचो कि भाई हो गया चल गया काम है, कॉलेज में चेंज कर लेते हैं यहाँ पे एक सेमेस्टर के बाद, बहुत सारे दोस्त हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको प्रोफेशनल ईयर कंप्लीट करना होगा, आपको यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट करके, जो आपका प्रोफेशनल ईयर कंप्लीट होगा उस प्रोफेशनल ईयर के जो मार्क्स जुड़ेंगे उसके बाद अपनी PR की फाइल लग जाएगी। यानी 2 साल पे आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। यदि आप फर्स्ट ईयर में, यदि आप अपनी पढ़ाई के लास्ट सेमेस्टर में आपके पास यदि जॉब ऑफर होता है आपकी स्ट्रीम का, तो आपका जो प्रोफेशनल ईयर है साथ के साथ स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही 1 साल का कंप्लीट होगा, आपके पास होने चाहिए PTE के मार्क्स या फिर IELTS जनरल का एग्ज़ाम दिया होना चाहिए, और उसमें आपको जो सुपीरियर है इंग्लिश लेवल, इसमें शायद 80 है, 78 79 है, और जो IELTS है उसमें 7.5 IELTS का मुझे पता नहीं है, 777 चाहिए होता है उसमें,
आपको हाईएस्ट पॉइंट मिल जाएंगे वो, जो कि 20 पॉइंट है। उसके बाद आप नाटी देते हो, नाटी एक एग्ज़ाम है, आप हिंदी की हिंदी का पेपर दे सकते हो, उसमें आप मलयालम का पेपर दे सकते हो, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है आप उसका पेपर दे सकते हो। उसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेज है इंडिया की भी, आप उसके 5 पॉइंट मिलते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे हम अपने पॉइंट्स कवर करते हुए चलते हैं, और जैसे ही हमारा प्रोफेशनल ईयर कंप्लीट होता है उसके बाद लगती है हमारी वीज़ा, उसकी TR की हमें मिल गया है। उसके बाद हम डालते हैं 48 इसमें 189 में, या जो इंडिपेंडेंट स्किल्ड वीज़ा है उसके अंदर फाइलिंग करते हैं हम। ये तो हमारा ऑस्ट्रेलिया आने के बाद है, लेकिन जो मेन बात है हमारी जो फाइनेंशियल फंड्स को लेके है, आप एक तो कई एजेंट से बात करें, मतलब कई कंसल्टेंट से बात करें, वो क्या क्या कह रहे हैं, आप उनकी बातों को इवेलुएट करें कि कौन से की बात ठीक लगी, कौन से की बात नहीं ठीक लगी। तो हर तरह की बात होती है, तो आप सारी बात समझे, सारी बात जाने, आपको जानने का पूरा हक है। आप इतने ज़्यादा पैसे लगा के देश में मूव हो रहे हो, और पैसे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ सब कवर हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मेहनत करने वाला बच्चा होना चाहिए, ठीक रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चले, बस एक थोड़ी नींद की कटौती करनी पड़ेगी और कुछ नहीं है। वरना 2 साल का 2.5 साल का हार्ड वर्क है, उसके बाद यदि आप अच्छे तरीके से काम कर जाते हो तो आप प्रोफेशनल ईयर में जिस दिन घुस गए उस दिन ये समझो आपकी लाइफ सेट है। दूसरा जो फंड्स दिखाने का ऑप्शन है, यदि कोई भी बैंक आपको अराउंड 40 लाख का लोन प्रोवाइड कर देता है, तो आपको 3 मंथ 6 मंथ होल्ड के फंड्स दिखाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और तो और यदि बैंक आपको ये भी लिख के इंश्योर कर देता है कि भाई लिविंग एक्सपेंसेस के लिए भी हम ही सपोर्ट करेंगे, तो फिर तो आपको किसी भी चीज़ की चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पे $20,000 है लिविंग एक्सपेंसेस है 1 साल के, उसकी भी कोई चिंता नहीं है। जो फीस वगैरह है उसकी भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जो लोन का सिस्टम है, यदि आप उसमें से जितना निकलवाते हो उसकी इंस्टॉलमेंट जानी सर हो जाती है इंटरेस्ट की, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपके जो 2 साल का कोर्स है उसके बाद जानी सर होएगी। तो मेरे को तो बेस्ट ऑप्शन लगता है लोन। यदि कभी ऐसा मौका भगवान करे ना आए किसी कि नहीं हो रही है पेमेंट मैनेज, तो आप बैंक से कह के अपनी पेमेंट डलवा दीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो एकदम बर्डन प्रेशर या फिर जो प्रेशर हमारा लोकल पड़ेगा वो ज़्यादा हो जाएगा, और बैंक से क्या है, फिर जो थोड़ी बहुत कसर रह रही थी उसको फिल करके दूर करेंगे। ना कोई प्रेशर है, ना कुछ है, ना किसी से लेना देना, ठीक बैंक आम आदमी की सेवा में। तो ये 2 तरीके हैं फंड्स को इवेल्युएट करने के। अब जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है, यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आ गया, जो कुछ आते हैं कंडीशनल ऑफर लेटर, कुछ आते हैं अनकंडीशनल। कंडीशनल ऑफर लेटर्स में इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू टेलीफोनिक भी हो सकता है, इंटरव्यू वीडियो कॉल भी हो सकता है। मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो टेलीफोनिक हुआ था, जो लगभग 20 मिनट का इंटरव्यू चला था मेरा। और उस इंटरव्यू में अलग अलग सवाल था कि आप यहाँ क्यों आ रहे हो, ये कभी और बात शेयर करेंगे फुल डिटेल में, क्या क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे और क्या क्या जवाब मैंने दिए थे। लेकिन आपके इंटरव्यू क्लियर होने के बाद यूनिवर्सिटी ये भी कह सकती है कि आप हमें, बच्चा यहाँ पे मिनिमम 2 साल का प्रोग्राम लेके आता है, कि आप हमें नेक्स्ट ईयर का पेमेंट का प्लान बताएं। आपने 1 साल के फंड दिखा रखे हैं जो कि इनफ है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी कह सकती है कि नहीं आप हमें ना अगले साल के फंड भी बताएं कि वो कैसे पे करेंगे आप है। तो उस हर तरह की बात पूछने, हर तरह से डालने की कोशिश करेंगे, थोड़ा झूठ से बचें हैं, अपने कंसल्टेंट को प्रॉपर क्लियर करके कहें कि भाई हमारे पास तो ये चीज़ है, ये इनमें हो सकता हो बताओ। ये नहीं है कि अपनी तरफ से कोई बात बना रहे हो फिर कल कोई दिक्कत आए, और तो थोड़ा सोच समझ के चले कि कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है,
और यदि आप मास्टर्स के लिए आते हैं तो आपको 6.5 बैंड चाहिए, चाहे वो पीटी में तो 58 मार्क्स चाहिए, और यदि आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो आपको 6 बैंड चाहिए, और पीटी में शायद 53 मार्क्स होते हैं 6 बैंड के इक्विवेलेंट, उसका 52-53 इतना ही होता है, 58 6.5 हो जाता है, तो इतने मार्क्स चाहिए आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए। और यदि आप एक बैचलर के लिए आ रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप रीजनल एरिया को चॉइस चूज़ करें, क्योंकि वहाँ पे 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं, आपकी वहाँ पढ़ाई भी हो जाएगी। एक साल जाने में लगता क्या है, एक साल आपको रीजनल एरिया में रहना है। और जब जैसे बड़ी बड़ी सिटी जो पर्थ है, एडलेड है, गोल्ड कोस्ट है, वो सब रीजनल में डाल रखा है इन्होंने, और बड़े बड़े शहर हैं, हर तरह की सुख सुविधा, फैसिलिटी, जॉब, सब कुछ है वहाँ, ऐसा नहीं है किसी चीज़ की कमी है। तो आप थोड़ा फोकस करें रीजनल पे जो बैचलर्स के लिए आए हैं, क्योंकि पॉइंट्स भी तो इकट्ठे करने हैं, एक दिन पीआर भी तो होना है देश के अंदर। ऐसा नहीं है एक्चुअली कनाडा की तरह आप किसी भी फील्ड में जॉब कर रहे हो पीआर तो हो जाओगे। अब तो वहाँ पे भी थोड़ा हार्ड हो गया है, अब तो वहाँ पे भी 5 साल लगने लगे हैं, किसी के कोई मास्टर्स करके गया है या फिर कोई मास्टर्स करने गया है तो उसका थोड़ा कम समय लगता है, 3.5-4 साल में हो जाती है। लेकिन यहाँ बिल्कुल पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, और जहाँ तक है यहाँ पे पीआर का पिटारा खुलने वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का कंप्लीट नाम है कॉमनवेल्थ ऑस्ट्रेलिया, और ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज से अलग हो रहा है नेक्स्ट ईयर, तो इसके ऊपर से रिस्ट्रिक्शन हटा दी जाएंगी। जहाँ तक है पीआर डबल रेट में यहाँ पे होने वाली है। तो यदि आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो आप वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना कमेंट करें, चाहे वो फंड से रिगार्डिंग है या यूनिवर्सिटी के किसी प्रोग्राम से रिगार्डिंग है, कोई भी पॉइंट, कोई भी दिमाग में डाउट आ रहा है तो आप उसको कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्त जो भाई बंधु जिसको इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और आप कमेंट भी लिख सकते हैं, आपकी कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।